गाइस अभी मैं इतना खुश था जवान मूवी का रिव्यू देखकर। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। और आज पूजा मैंने की थी, मैंने तो मैं सुबह वीडियो बना भी नहीं पाया था क्योंकि पूजा मैंने बहुत जल्दी की थी। मैं टहलने निकल गया था, मोबाइल चार्जिंग पे लगा गया था, तो अभी तो नाश्ता पानी बना नहीं है और देखते क्या क्या होता, बाद में नाश्ता पानी करते हैं, मिलेगा नाश्ता पानी। तो गाइस नाश्ता पानी करके भैया को जाना होटल छोड़ दे, तबीयत नहीं ठीक है तो भैया को छोड़ के आते हैं जाके होटल से। तो गाइस भैया को तुम छोड़ा है, काफ़ी कल दिन तो काफ़ी मुश्किल भरा बीता था, कल तो परेशान हो गए, रात के 9:30 खाली हुए, कल इतना दिन भर काम था रोज खाली नहीं हो पाए, और आज का दिन तो पता नहीं कैसा बीतेगा। आज का दिन खास कम मुश्किल भरा बीता तो अच्छा रहेगा। तो गाइस खाना पीना तो फाइनली हो चुका है, तो अब विकास भाई का छुट्टी का समय हो गया है तो विकास भाई को लेके आते हैं। तो विकास भाई को लाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज अंजलि को एक जगह और लेके जाएंगे, आज कोई वहाँ चेकअप वेकअप के लिए नहीं लेके जाएंगे, मगर हाँ दूसरी जगह लेके जाएंगे। भाई हम लोग जा रहे हैं, अब कहाँ जाते हैं वो आपको बाद में पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग। भाई देखो हॉस्पिटल में आए हुए कितनी भीड़ है आज चारों तरफ इतनी। तो गाइस हॉस्पिटल से आ गए, हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ थी, 2-3 घंटे लग गया। रास्ते हम लोगों ने बर्फ़ का गोला दिया, बर्फ़ का गोला खाते हैं। गाइस हम गोला तो खा चुके हैं, अब जाते हैं धुलाई बुलाई कर देते हैं क्योंकि पूजा भी तो करनी है, जाते हैं धुलाई करते हैं। विकास भाई हमारे ट्यूशन पर चुके हैं, और विकास भाई सर ने टेस्ट लिया, काय का था टेस्ट? इंग्लिश का। तो 10 में से कितने मार्क्स आए हैं? झूठ बोलते हो, 8 आए हैं। दिखाओ गाय जो झूठ बोलता है, अभी पता चल जाएगा। नहीं मैंने 8 देखा मैंने, हाँ सही है बता। धुलाई बुलाई कंप्लीट कर रहे, मैंने ला विकास भाई की वीडियो ही बना लूँ ऐड के, और अभी तो फिर पूजा की भी तैयारी चल रही है, पापा कर रहे हैं तैयारी, पूजा कर लेते हैं चाय वाय पीते बाद में। ओम जय लक्ष्मी माता ना होते। गाइस हम लोग पूजा कर चुके हैं, और मैंने आरती पर की वीडियो आपको दिखा भी दी है बना दी, तो पूजा कर चुके हैं, अपने कुल देवी की पूजा कर चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने। और गाइस ये दिन भर रिविस क्यूब और पढ़ाई है मोबाइल, रिविस क्यूब पढ़ाई है मोबाइल, और कुछ नहीं आता इन्हें। तो गाइस अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और खाना खा के, और शाहरुख खान जी का नया ट्रेलर आया जिनका मैं इतना बड़ा फैन हूँ मूवी का, इतना बड़ा फैन हूँ कि शाहरुख खान की मैं पूरी मूवी देखता हूँ, सारी मूवी देख रखी है, और सारी मूवी देख रखी है, मगर मुझे पता ही नहीं था कि सर का मूवी का नया ट्रेलर आ गया है, अभी मैं देखूंगा खाना खाने के बाद। तो गाइस अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर, सर का ट्रेलर, मेरे फेवरेट एक्टर शाहरुख सर का ट्रेलर मूवी का। अरे बाप रे, अरे कितना मस्त लुक है सर का, मान गया ऑलरेडी। शाहरुख खान, अरे गाइस पिक्चर बहुत ही अच्छी होने वाली। सर हर बार कुछ नया लेके आते हैं शाहरुख सर, जवान ये क्या ये? हाँ शाहरुख सर डायलॉग बोला एकदम, सर कोई कर्रा लुक लेके आए हैं आपकी लगता है। शाहरुख सर गंजे का रोल लेकर आए, अभी पुलिस ऑफिसर आर्मी ऑफिसर, ये गंजे का है? अरे गाइस जी के शाहरुख सर डांस कर रहे हैं, शाहरुख सर का ये डांस तो काफी कर रहा है, मैं तो बहुत अच्छी मूवी है। गाइस मुझे तो पता भी नहीं था कि शाहरुख सर के मूवी का नया ट्रेलर आ चुका है, ये तो विकास ने मुझे बताया था, विकास भाई उसके लिए थैंक यू मुझे ट्रेलर बतानी है, और ये मूवी मैं जरूर देखूंगा जाके। और गाइस मैं आपको बताऊं, शाहरुख सर की मूवी आई थी पठान 25 जनवरी को, और उसी दिन मेरी शादी थी। ये मूवी तो मैं जरूर जरूर देखने जाऊंगा, और आप लोग भी शाहरुख सर की मूवी जरूर जरूर देखेगा। अगर शाहरुख सर के आप फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पिक्चर मूवी जो भी आप कहते हैं जरूर जरूर देखें, जरूर जरूर देखें। विकास भाई हम तो मूवी देखने चलेंगे, चलूंगा मैं तो, जरूर जाऊंगा।
तो गाइस मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँ, पूरा दिन मगर बेकार गया, मगर ट्रेलर देख के मुझे मजा आ गया। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस अभी मैं इतना खुश था जवान मूवी का रिव्यू देखकर, और मैंने पूरा रिव्यू देखा, उस पर रिएक्शन दिए, मैंने आप सबको बताया, और मैंने वीडियो अपलोड करवाई थी कि उन्होंने कॉपीराइट डाल दिया। मैं शाहरुख सर का इतना बड़ा फैन हूँ, मैंने वीडियो बनाई और डाला, उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया। अगर कोई छोटा यूट्यूबर ऐसा करता है तो उसके उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाल सकते हैं। अरे हम लोग तो आपके इतने बड़े फ़ैन हैं, और आप लोगों को ये ऐसा करना नहीं चाहिए गाइस, ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए। हम लोग इतना उससे देखते हैं और ये लोग रिव्यू करते हैं कि इनकी मूवी और लोग देखें, हम लोग तो प्रमोशन करते एक तरीके से, और तो भी लोगों ने डाल दिया। तो मैं ये रेड चिल्ली वालों से बड़ा नाराज़ हूँ, और शाहरुख सर अगर आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं तो ऐसा ना करवाइए आप, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अपने कंपनी को स्ट्रिक्टली बताइए सर। तो गाइस मैंने ट्रेलर पे रिव्यू दिया, रिएक्शन दिए, और भाई उन्होंने कॉपीराइट डाल दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पहले मैंने अक्षय सर की मूवी का OMG 2 का डाला था रिएक्शन, रिव्यू डाला था, उन्होंने तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया। और शाहरुख सर का मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि हर मूवी देखता हूँ, और इन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक डलवा दिया। ये अच्छी बात नहीं है क्या? बड़े यूट्यूबर ही खाली कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर सकते हैं भाई। अगर ये मेरी वीडियो कोई छोटा यूट्यूबर या कोई भी देख रहा हो भाई, ये वीडियो शेयर करें, शाहरुख सर तक जाए ये वीडियो, शाहरुख सर सुने कि उनके फैन के संग ऐसा क्यों होता है या क्यों करा जाता है। गाइस ये बिल्कुल करना है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। विकास भाई स्कूल से आ गए, पास्ता लेने जा रहा अपने लिए। विकास भाई पास्ता ले जा रहा है, रास्ता लेने जा रहा है। अच्छा रास्ते से जा रहा पास्ता लेने। और गाइस देखो हमने इन्हें नमकीन ला के दिया, और इन्होंने नमकीन फेंक दिए, खाते कम है फेंकते ज्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो नु लाइक करो, शेयर करो, ते कमेंट करना ना भूलो है।